सो टॉपिक से आपको पता लग गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ के बारे में ये है वो थ्री प्रूवन वेज जिससे मैन अपनी पावर स्टेमिना और परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं लेट्स बी ऑनेस्ट आजकल के जिस लाइफस्टाइल में हम रहते हैं नॉट जस्ट एज अ मैन एज ह्यूमंस वी हैव बिकम वीकर हमारा न्यूट्रिशन पॉइंट पे नहीं है हम एक्सरसाइज प्रॉपरली नहीं करते हैं हमारी ओवरऑल हेल्थ और वेलबिंग जो है वो डिक्रीज हो चुकी है और उसका सीधा इम्पैक्ट हुआ है हमारी सेक्सुअल परफॉर्मेंस के ऊपर इसलिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत चल रही है चाहे वो एयरटाइल डिस्फंक्शन है चाहे वो प्रीमेच्योर जैकुलेशन है किस तरह आप नेचुरल वे से इन्हें फिक्स कर सकते हैं एज अ मैन सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है और जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल हेल्थ खराब होती जा रही है दिन बाय दिन एज अ स्पीसीज इज स्ट्रेस देखिए हमारी बॉडी में एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम ये नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है जिस भी ह्यूमन का ये नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होगा उसकी बॉडी के सारे फंक्शंस यानी कि उसके सारे ऑर्गन सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सारे एनजेबाइटिकल रिएक्शंस और ओवरऑल वेलबिंग well और हेल्थ और इम्यूनिटी अच्छी रहेगी लेकिन आजकल के इन्वायरमेंट में जहां हमारा स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है दो तरह के हमारे नर्वस सिस्टम होते हैं एक होता है सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम जिसे हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं और दूसरा होता है पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम जो रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम होता है अब हम हमेशा अपने फोन्स गैजेट्स ऑफिस इन चक्रों में पड़े रहते हैं और हमेशा भाग गि रहे होते हैं तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो काफ़ी हाई होता है जिसकी वजह से हमारा सिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है वो हाई रहता है और इसकी वजह से हमारी बॉडी में एक स्ट्रेस हॉर्मोन होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्टेसॉल उसकी मात्रा बढ़ जाती है एंड साइंटिफिक स्टडीज़ हैव प्रूवन दिस कि कॉर्टेसॉल का इनवर्स रिलेशनशिप होता है आपके टेस्टोस्ट्रॉन या मैन हार्मोन के साथ तो जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में कॉर्टेस्टॉल ज़्यादा होता जाएगा उतना कम टेस्टोस्ट्रॉन होता जाएगा उतनी कम आपकी सेक्शुअल परफॉर्मेंस होती जाएगी और उतने आप वीक होते रहोगे इवन इट हैज बीन प्रूवन कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो मेन फेस करते हैं यूजली लाइक सेक्शुअल डिसफंक्शन इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमेच्योर जैकुलेशन ये मोस्टली साइकोलॉजिकल होती है और हाई स्ट्रेस की वजह से इंड्यूस होती हैं सो so, इन्हें फिक्स करने के लिए हमें अपनी रूटीन में स्ट्रेस रिड्यूसिंग एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है जिससे हमारा पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम जो रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है और हमें बेटर परफॉर्म करने में हेल्प करता है उस पर काम करना ज़रूरी है बिकॉज जब हम बेड की बात करते हैं या हमारी सेक्शुअल परफॉर्मेंस की बात करते हैं एज अ मैन एज अूमन जज जितना हम रिलैक्सड रहेंगे उतनी बेटर हमारी परफॉर्मेंस रहती है इसलिए सबसे ईजी तरीका ये है कि आप दिन के दौरान कम से कम हर एक घंटे बाद दो मिनट की डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूर कीजिए अब मैं आप जैसे देख सकते हैं एक स्मार्ट वॉच पहनता हूं इसी तरह आप भी एक स्मार्ट वॉच पहन सकते हैं और हर एक घंटे के बाद का एक टाइमर लगा सकते हैं जिसके बाद आप दो मिनट की डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे एंड इट हैज बीन प्रूव्ड बाय साइंस की डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने से आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो रिलैक्स होता है और आपका पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम जो है एक्टिवेट होता है और आपके कार्टेस्टॉल लेवल्स जो है लो होते हैं इसके साथ साथ हमारी योगिक साइंसेज ने भी हमें कुछ ऐसे टूल्स दिए हैं जैसे कि ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग या जिसे हम अनुलोम विलोम भी कहते हैं जहां पे आप एक नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन करते हैं और दूसरी नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट करते हैं तो सुबह और रात को यानी कि सुबह जब आप उठते हैं खाली पेट कम से कम पांच मिनट अनुलोम विलोम या ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग को जरूर कीजिए और रात को सोने से पहले ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग कीजिए जिससे आपका पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और लो होता है स्ट्रेस रिड्यूस होता है आपकी बॉडी में और जो आपके सेक्शुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाने वाले हॉर्मोन्स होते हैं जैसे कि टेस्टोस्ट्रॉन डोपामिन ये सारे इंक्रीज होते हैं एंड मेक श्योर कि आप हफ्ते में कम से कम तीन से चार दिन वेट ट्रेनिंग जरूर कर रहे हैं थर्टी टू फोर्टी मिनट्स वेट ट्रेनिंग यानी कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग किसी भी तरह के आप डम्बल एक्सरसाइज जिम या योगा

सोते हुए सबसे ज्यादा होती है तो जो भी हमारे मैनली मैस्कुलिन हॉर्मोन्स हैं लेकिन टेस्टस्ट्रॉन ग्रोथ हॉर्मोन जो आपकी सेक्शुअल परफॉर्मेंस में आपको हेल्प करते हैं वो सोते हुए सबसे ज्यादा रिकवर होंगे प्लीज इसलिए रात को सोने से एक घंटा पहले सभी फ़ोन्स को बंद कर दीजिए रात को हो सके तो टाइम पे सोइए और एक फिक्स्ड स्लीपिंग स्कड्यूल रखिए ताकि आपकी जो सर्केडियन रिदम है यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सिंक्रोनाइज रहे और जब आपकी सर्केडियन रिदम सिंक्रोनाइज रहेगी आपके सभी हॉर्मोन्स अच्छे से काम करेंगे आपकी बॉडीली फंक्शंस अच्छे से काम करेंगे और आपकी परफॉर्म स्टेमिना पावर सब इंक्रीज होगा अब लाइफ स्टाइल के बाद हम बात करेंगे सेकेंड फैक्टर की दैट इज न्यूट्रिशन प्रॉपर न्यूट्रिशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अगर आप बॉडी के किसी भी फंक्शन को इंप्रूव करना चाहते हैं अब आपकी डाइट में डेफिनेटली प्रोटीन की मात्रा हाई होनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स एनफ होने चाहिए ताकि आपको सस्टेन एनर्जी मिलती रहे एनफ ऑफ फैट्स भी होने चाहिए, चाहिए ताकि सभी विटामिन जो है एब्जॉर्ब हो सके और जो हॉर्मोन्स होते हैं जैसे कि टेस्टोस्ट्रॉन ये आपके कोलेस्ट्रॉल से बनता है जो हमें फैट्स से मिलता है तो इसे अपनी डाइट में इंक्लूड करना जरूरी है तो एग योग को आप इंक्लूड करना शुरू कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर या सैचुएटेड फैट्स आपको ये लिस्ट दिख रही है इन फूड्स को थोड़ी सी क्वांटिटी में अपनी डाइट में ऐड कीजिए जिससे आपके टेस्ट्रॉन हाई होना शुरू हो सकता है अब जनरल न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करने के बाद आपको इन तीन मेन इन्ग्रीडियंट्स पे ध्यान देना जरूरी है आपके न्यूट्रिशन में वो है जिंक मैग्नीशियम एंड आर्जी अब जिंक जो है एक ऐसा मिनरल है जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपके टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में इवन स्टडीज फाउंड कि जिन लोगों को लो टेस्टोस्टेरोन की दिक्कत आती है उनकी डाइट में या सप्लीमेंटेशन के थ्रू जिंक की क्वांटिटी बढ़ाने से उनके टेस्टॉन लेवल्स बढ़िया हो जाते हैं उनकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है तो ये जो स्क्रीन पे आपको लिस्ट दिख रही है जिंक रिच फूड्स की इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करना शुरू कीजिए अब दूसरा जो मिनरल है वो है मैग्नीशियम मैग्नीशियम आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है आपकी नींद को बेटर करता है मतलब आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करता है और आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी की ओवरऑल रिकवरी बढ़िया होती है सभी जो हॉर्मोन अच्छे से काम करते हैं सभी ऑर्गन अच्छे से काम करते हैं एंड आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो ये जो स्क्रीन पर दिखे हुए फूड्स हैं इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करना जरूर शुरू कीजिए जो थर्ड न्यूट्रिएंट है आपको जिस पे ध्यान देने की जरूरत है वो है आरजी नाइन अब आरजी नाइन एक ऐसे एसिड है जो आपके इंटीमेट ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है तो आपकी इरेक्शन लॉन्गर होती है और अगर आपको रेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी दिक्कत आ रही है तो इसे भी सॉल्व करने में वो हेल्प करता है तो ये जो लिस्ट दी हुई है आर्जिन रिच फूड्स की इनको भी अपनी डाइट में इंक्लूड करना शुरू कीजिए लेट्स से आपने लाइफ और न्यूट्रिशन फैक्टर्स दोनों को ठीक कर लिया है अब आप और भी फास्टर रिजल्ट चाहते हैं तो आयुर्वेदा में हमें कुछ ऐसे हर्ब्स दिए गए हैं जो हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस पावर स्टेमिना और हमारे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं और हमारे स्ट्रेस को भी रिड्यूस करते हैं जो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट हर्ब्स हैं जिसके बारे में अपनी वीडियोज में काफ़ी बात कर चुका हूँ वो है अश्वगंधा शिलाजित और शतावरी अश्वगंधा जो है आपकी बॉडी में स्ट्रेस को रिड्यूस करता है एंगजाइटी को रिड्यूस करता है और आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है शिलाजित जो है एक एक्सटिकी सब्सटेंस है जो हिमालयस में पाया जाता है जो मेल परफॉर्मेंस को बढ़ाता है नेचुरल वे में आपके टेस्टोस्टेरोन को भी इंप्रूव करता है

नेक्स्ट टाइम जब भी आप यूरिनेट कर रहे होंगे थोड़ी देर के लिए अपनी यूरिनेशन को रोक लीजिए अब मैं आपको टॉर्चर नहीं करना चाहता लेकिन मैं बस ये बताना चाहता हूं कि जो ये मसल्स होंगे जो कंट्रोल कर रहे हैं आपकी यूरिनेशन को कि जिन मसल्स को यूज करके आप अपनी यूरिनेशन को बंद कर पा रहे हैं कंट्रोल कर पा रहे हैं वो मसल्स हैं आपके कीगल मसल्स और इन्हें हमें स्ट्रेंदन करना जरूरी है अब अबलेट से आपने कीगल मसल्स को लोकेट कर लिया है अब बारी आती है इन्हें स्ट्रेंथन करने की और स्ट्रेंथन कैसे करेंगे इन्हें एक्सरसाइज के थ्रू स्टिमुलेट करके अब एक्सरसाइज आप बैठे हुए भी कर सकते हैं या खड़े हुए भी कर सकते हैं एज अ बिगिनर आपने अपने कीगल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है तीन से पांच सेकेंड एंड उसके बाद उसको रिलीज कर देना है ये चीज आपने दस बार रिपीट करनी है इन वन सेट और आपने दिन में तीन सेट लगाने हैं तो सुबह जब उठते हैं तब इसका एक सेट लगाइए दस रेपिटीशन का थ्री टू तो फाइव सेकेंड पर रेपिटिशन उसी तरह आपने एक बार इसको आफ्टरनून में दो या तीन बजे एंड उसके बाद रात को सोने से पहले आपने ये कीगल एक्सरसाइजेस करनी है जैसे जैसे आप एडवांस्ड होते जाएंगे आप जो उसको होल्ड करने की ड्यूरेशन है जो तीन से पांच सेकेंड की है उसको पांच से सात सेकेंड तक लेके जा सकते हैं एंड दिस विल गिव यू ग्रेट रिजल्ट दिस विल मेक अ रिएक्शन स्ट्रांगर एंड इट विल इंक्रीज योर इन द इंड सो आई होप कि आप आपको आज कुछ नया सीखने को मिला है एंड अगर आप किसी भी परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज से जूझ रहे थे आई एम श्योर कि अगर आप इन सभी टिप्स को अप्लाई करेंगे आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं और बहुत मैनली फील कर सकते हैं खुद के बारे में अपना कॉन्फिडेंस वापस लेके आ सकते हैं कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी मैं जानना चाहूँगा एंड मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथ में बेल आइकन उस पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे चैनल को सपोर्ट हो और आपके लिए मैं ऐसी वीडियोज़ और बनाता रहा एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए एट द यूजन महाजन लाइफ आई एम गोइंग टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो टिल नेक्स्ट टाइम कीप गोइंग कीप ग्रोइंग स्ट्रॉगर